भाई मुझे बड़ी खुशी है कि दर्शील की अगली फिल्म रिलीज़ हो रही है जोकमोन, और कई वजहों से मुझे खुशी हो रही है। एक तो ये कि ये दर्शील की फिल्म है और मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि उसने क्या किया है जोकमोन में। दूसरी वजह ये है कि सत्या जो है मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं और स्कूल से हम लोग साथ में रहे हैं। ये फिल्म सत्या की पहली फिल्म है और इसलिए मेरी ख़ास दुआएं हैं सत्या के साथ, फिल्म के साथ, ये फिल्म कामयाब हो। मंजरी और हमने साथ में काम किया है जाने तू में। मंजरी इज़ हाईली टैलेंटेड एक्ट्रेस, मुझे हमेशा जूही की याद आती है जब भी मैं मंजरी को देखता हूँ। एंड सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस फिल्म बीइंग मेड। आई एम रियली होपिंग दैट दिस फिल्म गोज़ डाउन वेल। और ये फिल्म बच्चों के लिए है। ये जो छुट्टियों का वक्त है, मई का महीना अप्रैल में है, मई आ रहा है, तो ये जो छुट्टियों का पीरियड है, ये बच्चों के लिए हम लोग इतनी फिल्में बनाते नहीं हैं, और ये ख़ास फिल्म बच्चों के लिए बनी है, फैमिली ऑडियंसिस के लिए बनी है। लोग अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं उसमें। दर्शील जो है फर्स्ट टाइम बच्चा जो है वो सुपर हीरो के रूप में आ रहा है। सो आई थिंक दैट दिस फिल्म विल डू वेरी वेल। मेरी शुभकामनाएँ पूरी टीम के साथ, डिज्नी के साथ जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। डिज्नी खासतौर से बच्चों की फिल्में बनाते हैं, तो सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये लोग मुझे आज मिलने आए थे, दर्शील मुझसे ब्लेसिंग्स लेने आए थे, तो मेरी तो शुभकामनाएं हमेशा दर्शील के साथ हैं। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म। दरअसल मैं एक्चुअली शूटिंग कर रहा हूँ, मेरी खुद की फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं पूरी टीम को हेल्प करूँ, हर तरीके से हेल्प करूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये फिल्म में दर्शील हैं, सत्या हैं, जो दोनों मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, और मंजरी भी हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी रोज़ शूटिंग है तो मैं कहीं जा नहीं सकता, तो लिहाजा जब दर्शील मुझसे मिलने आए, सत्या मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा आप सबको लेके आइए। नॉट मच एक्चुअली आई हैव टू से, दर्शील लुक्स द सेम टू मी, और मे बी टू मी ही ऑलवेज लुक द सेम, यू नो, बट आई थिंक ही इज़ आई हैव नोटिस ही गॉट अ मोर चार्मिंग स्माइल नाउ सडनली। थैंक यू। एंड ही इज़ ग्रोन लिटिल टॉलर, बट अदरवाइज इज़ द सेम। So I'm looking forward to, I've not seen the film myself. मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं, चूँकि रोज़ मेरी शूटिंग चल रही है। सत्या का तो रोज़ फ़ोन आता है कि कब देख रहे हैं आप फिल्म, लेकिन चूँकि मेरी शूटिंग चल रही है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं देखूँगा फिल्म, मैं भी देखना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द। सत्या और मेरी जो दोस्ती है वो स्कूल से है। हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में मैंने अपना स्कूल बदला था, नाइन्थ स्टैंडर्ड में मैं बॉम्बे स्कॉटिश में मैंने भर्ती ली थी, और तब से सत्या और मेरी दोस्ती रही है। सत्या हमेशा तेज़ दिमाग, क्लास में फर्स्ट आने वाले, सामने बेंच पे बैठने वाले, और मैं हमेशा लास्ट आता था, तो आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड दैट्स व्हाई वी बिकेम फ्रेंड्स। सत्या के साथ पहले तो स्कूल से हमारी शुरुआत हुई दोस्ती की, लेकिन उसके बाद हम लोग स्कूल, हालांकि कॉलेज में हम साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती कायम रही। और फिर जब मैं लगान बना रहा था मेरी पहली फिल्म, तो मैंने सत्या से कहा कि आप प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करें, मैंने रिक्वेस्ट किया सत्या से, और उस वक्त सत्या का भी झुकाव फिल्मों की तरफ धीरे धीरे हो रहा था, तो उन्होंने प्रोडक्शन टीम में काम किया, और फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई चले चलो, जो लगान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिस तरह से हमने फिल्म बनाई उस पर किताब भी लिखी, स्पिरिट ऑफ लगान और चले चलो डॉक्यूमेंट्री थी, जो जिसको नेशनल अवार्ड मिला। सो सत्या ने अपनी पहली कदम में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया, और अब ये उनका दूसरा कदम है, देखते हैं क्या होता है।